हेलो मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक छोटी सी मिनी ट्रैक्टर, जिसे आप पावर वीडर के नाम से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, आ गया है सावन का मौसम और सावन के मौसम में इस पावर वीडर की काफी मांग है। और अगर आप भी सावन के मौसम में एक पावर वीडर खरीदने का सोचा है तो इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोग को इसी पावर वीडर के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम आए हैं कैसे शॉप पे, जहाँ पे आप लोगों को कई तरह की मशीनें मिल जाते हैं, बट आज की वीडियो में आप लोगों को एक पावर वीडर के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों बैल का मेंटेनेंस को देखते हुए काफी लोग बैलों को हटाकर पावर वीडर को खरीदने का सोच रहे हैं और पावर वीडर भी ले रहे हैं। दोस्तों आपने कहीं भी देखा होगा, अपने गाँव मोहल्ले टोले में भी अब पावर वीडर की एंट्री हो चुकी है, हर एक गाँव में पावर वीडर की एंट्री हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप भी पावर वीडर लेना चाह रहे हो तो इस शॉप से यहाँ पे खरीद सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को 7.5 HP से लेकर 15 HP तक की पावर वीडर मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को सारे अटैचमेंट मिल जाते हैं जो भी पावर वीडर में आप लोगों को हमें आवश्यकता होती है जुताई करने के लिए। साथ ही साथ इसमें सेल्फ स्टार्टेड भी आते हैं और विदाउट सेल्फ स्टार्टेड भी मिलेंगे। दोस्तों आपको जो भी चाहिए वो ले सकते हैं, और वही अगर आपको ज़्यादा मांग हो तो भी आप यहाँ से मंगवा सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। दोस्तों अगर मान लेते हैं आपको 17 HP तक चाहिए, 15 HP तक चाहिए, तो भी यहां से आप ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं। बट यहां पे अभी आप लोगों को 7.5 HP से लेकर 12 HP तक अवेलेबल है। दोस्तों आप अगर चाहते हो लेने के लिए तो यहां से खरीद सकते हो। दोस्तों इसकी पता और एड्रेस मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में दे दूंगा। सबसे पहले आप लोगों को इस मशीन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास बैल होता है तो बैल को हटाकर इस मशीन को ले रहे हैं। आखिर क्या क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? दोस्तों पावर वीडर के बारे में तो आप लोगों ने कई सारे YouTube पे वीडियो देखा होगा, बट मैं आज की तरीके से कुछ अलग तरीके से मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि अगर आप बैल रखते हो दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि उसमें एक व्यक्ति को, यानी कि एक व्यक्ति को ड्यूटी देना पड़ता है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उसके शाम के चारे एंड सुबह के चारे आप लोगों को लगाना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपको कहीं दूसरे जगह चराना ले जाना हो, उसको चारा खिलाना हो, तो उधर ले जाना पड़ता है घुमाने के लिए। यानी कि देखा जाए तो एक व्यक्ति को उसको ड्यूटी देना पड़ता है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी लॉसेस है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इसमें जुताई भी करते हो तो भी आपको कई तरह के अटैचमेंट रखने पड़ते हैं। और रखने के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप उसे जुताई करते हो तो आप लोगों को उसको धुलाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिट्टी वगैरह लग जाते हैं। तो अगर आप उस तरह से बैल को छोड़ देते हो तो उसमें मच्छर मच्छी को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तो ऐसे में रोज़ रोज़ आप लोगों को धुलाई भी करना पड़ता है और उसके साथ ही साथ काफ़ी मेंटेनेंस होता है। दोस्तों उसकी चारे भी दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, और ऐसे में चारा का भी उगाई जो है दिन पर दिन कम ही होता जा रहा है, जिसके कारण महंगाई बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों मेरा मानना रहेगा कि अगर आपके पास बैल है तो कोई बात नहीं, आप उसे बेच कर भी इस मशीन को ले सकते हो, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा अगर उससे और इसमें तुलना किया जाए। अगर आपके पास बैल है तो बैल से अगर तुलना किया जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी रहेगी दोस्तों, और आपको सस्ती पड़ेगी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं अगर आप पावर वीडर ले लेते हो तो आपको लगेगा क्या इसमें मेंटेनेंस नहीं है। दोस्तों मेंटेनेंस तो है, बट मेंटेनेंस काफ़ी लॉन्ग टाइम जाके आपको थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाल ही में अगर आप लोगे 2-4-5 साल अभी यूज करोगे, 5 साल, अरे कई कई साल देखे मैंने अपने गाँव में खरीदे हैं, अभी 8 साल हो गया लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी मेंटेनेंस नहीं किया है। दोस्तों तो हमारी जो मेंटेनेंस होगी इसमें दोस्तों, केवल जो भी डीजल या फिर पेट्रोल लगेगा वो आप लोगों को डालना पड़ेगा और चलाना पड़ेगा, फिर आप रख देते हो सालों साल आपका रखा रहेगा, कोई दिक्कत कोई डिस्टर्ब नहीं होगी। दोस्तों वही अगर आप देखा जाए बैल रखते हो तो बैल में आपको परेशानियाँ भी होती है, और देखना देख रेख करना पड़ता है, साथ ही अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसको मेडिकल भी करवाना पड़ता है, जो कि एक व्यक्ति से कम नहीं होता है, उसको एक तरह से देखा जाए तो मनुष्य के रूप में ही देखा जाता है, क्योंकि वो जीव है तो उन लोगों को अपने हिसाब से ही देखना पड़ता है। बट इसमें आप लोगों को वो सारे सिस्टम एवं झंझट कुछ नहीं रहेगा, अगर आप इसको एक बार खरीद लेते हो तो वो सारे सिस्टम आपके क्लोज हो जाएंगे, और आपको जब यूज करोगे तभी आपको मेंटेनेंस लगेगा, अदरवाइज मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। दोस्तों अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मशीन के बारे में। दोस्तों हमारा झारखंड बिहार में जो मिट्टी है दोस्तों, उसके हिसाब से आप लोगों को पावर वीडर को लेनी चाहिए। अगर आप झारखंड बिहार से हो तो मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि कम से कम आप 9 HP लीजिए या फिर 12 HP लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है काफ़ी कड़वी है, और यहाँ की मिट्टी के चलने के लिए पावर वीडर कम से कम 9 HP या फिर 12 HP होनी चाहिए। दोस्तों उससे अगर आप कम लेते हो तो हाँ हालाँकि चल सकता है जब आपका मिट्टी थोड़ा कम पावर का हो, लेकिन कड़वी मिट्टी में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्ब देखने को मिले। तो मेरा मानना रहेगा कि कम से कम आप 9 HP लें और 12 HP लें दोस्तों,
तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर वही 9 एचपी और 12 एचपी की बात करें कि घंटे में ये कितना तेल पिएगी, तो दोस्तों आप लोगों को 900 ग्राम पी जाएगी घंटे में अगर कड़वी मिट्टी रहती है तो, और वही अगर थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी रहेगी तो 800 ग्राम तक पिएगी दोस्तों। प्रॉपर 1 लीटर आप पकड़ के चल सकते हो बट 1 लीटर नहीं पिएगी दोस्तों। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं इस मशीन को कहाँ से खरीद सकते हैं और कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, अगर आप ऑफलाइन भी खरीदना चाहते हो तो ऑफलाइन भी खरीद सकते हो। मैं आप लोग को एड्रेस बताना चाहूँगा, ये झारखंड के वेस्ट सिंहभूम मनोहरपुर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, जहाँ पे आप विजिट करके अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन भी ले सकते हो। बट दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके आप इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन भी डिलीवरी करना है तो भी ले सकते हो, और उसके शॉप पर भी विजिट करना है अगर आप वहाँ के आस पास नियर बाय नियर डिस्ट्रिक्ट के हो तो भी आप कर सकती हो। तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।